नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आयुर्वेदिक उपचार में। और आज हम एक ऐसी ही सब्जी लेकर आए हैं जिससे आप सभी परिचित ही होंगे। और इस वीडियो में हम फूल गोभी खाने के आश्चर्यजनक फ़ायदे बताएंगे, तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। फूल गोभी खाना लगभग सभी को पसंद होता है। फूल गोभी सब्जी खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। इसमें मौजूद कई तरह के विटामिन्स, फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। फूल गोभी में मैग्नीज, तांबा, लोहा और भरपूर मात्रा में कैल्शियम, पोटाशियम जैसे खनिज का एक अच्छा स्रोत है फूल गोभी। और कुछ इसके घरेलू उपचार भी हैं जिसको आप करके अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। कुछ बीमारियों को उसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं गोभी के उपयोग से। जैसे किसी को लगातार अगर पेट में दर्द रहता है तो जो फूल गोभी होती है हमारी, उसकी जड़ को साफ़ करके और उसके तने को पानी में उबाल कर, अगर उस पानी को सुबह शाम खाली पेट लगातार 15 से 20 दिन पिया जाए तो पेट के जो सूजन है, पेट में जो दर्द रहता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा सिर्फ 15 और 20 दिन के सेवन से ही। दोस्तों आइए चलते हैं। और कुछ फूल गोभी जो हमारा रक्त है, ब्लड है, उसको साफ करने में काफ़ी मददगार है। किसी को अगर स्किन संबंधी प्रॉब्लम है, त्वचा संबंधी रोग है, अगर फूल गोभी का सेवन लगातार किया जाए, फूल गोभी का जो रस है उसका लगातार सेवन किया जाए, तो उस खून संबंधी बीमारियाँ भी बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगी। और किसी को अगर हड्डियों में दर्द रहता हो, ज्वाइंट पेन हो, कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियों में दर्द रहता है, छोटे ज्वाइंटों में दर्द रहता है, तो आप गोभी का रस और साथ में गाजर के रस की बराबर मात्रा मिलाकर पीने से जो हड्डियों का दर्द है बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा और ज्वाइंट प्रॉब्लम उसको समाप्त हो जाएगी। और जिसको पीलिया रहता है वो भी इस उपयोग को कर सकते हैं। इसका जो पानी होता है, जो काढ़ा बनाते हैं हम, समान मात्रा में गाजर का रस लीजिए और समान मात्रा में गोभी का जूस लीजिए, दोनों में को मिलाकर सुबह शाम खाली पेट पीजिए, उस पीलिया रोग भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और लीवर भी, लीवर पर अगर फैटी लीवर है, लीवर पर स्वेलिंग है, वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर किसी को बवासीर है, मस्से हैं, खून निकलता हो, वो भी जो जंगली गोभी होती है उसका रस लीजिए, उसमें कुछ काली मिर्च डालिए और कुछ मिश्री मिलाकर उसको पीजिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों यही थी वीडियो। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ नए समझ में कमेंट कीजिए। जय हिंद।